हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को मेरे वीडियोस में। आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता का पकौड़ी, जो कि रोलिंग करके स्टीम करके बनाई जाती है। ये 500 ग्राम बेसन में बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिया है हल्दी 2 चम्मच और 3 चम्मच मसाला। ये मसाला जो है कि घर पे बना हुआ है, जीरा और काली मिर्च और धनिया को भून करके और पीस करके बना है ये। इसमें गरम मसाला और लाल मिर्ची नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको नहीं डालते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा डाल भी सकते हैं। और 1 चम्मच जाएगा इसमें भर करके हींग, क्योंकि हींग तो फ्लेवर के लिए भी अच्छा रहता है और डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हींग अधिक जाएगा। और ज़्यादा बन रहा है इसलिए 4-6 चम्मच नमक जाएगा। और ये जो है कि लहसुन मिर्चा का पेस्ट है, ये भी जाएगा। इसको मैंने ना लहसुन मिर्चा का पेस्ट जो है 2 बार ग्राइंडर जार में डाल करके पीसी हूँ। ग्राइंडर जार थोड़ा सा छोटा है तो 2 बार में ये पीसना पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसको भी साफ करके मम्मी डाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा पानी डाल डाल करके और मिलाएंगे। एक बार में अधिक पानी पड़ जाएगा तो हो सकता है ये जैसे पकौड़ी का वो होता है ना, पकौड़ी वाला घोल होता है ना, उतना पतला हो जाएगा। तो जब हम पत्ता पे इसको फैलाएंगे ना तो चारों तरफ से बह जाएगा। तो थोड़ा सा टाइट रखना है, आटा से थोड़ा नरम और पकौड़ी वाले घोल से थोड़ा सा टाइट रखना है। तो यहाँ पे मम्मी इसको बना रही हैं। ये पत्ता थोड़ा छोटा छोटा है तो इसको मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा बनाने में। किसी और तरीके से अगर इसका पकौड़ी बनता तो बहुत ही आराम से बन जाता, लेकिन इसको रोलिंग करना है ना, तो छोटे छोटे पत्तों को समेट करके और इसका बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, बड़ा सा इसको तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा सा रोल बनेगा। तो ऐसे ही कर करके एक एक पत्ता फैला फैला करके उसके ऊपर से ये जो बेसन वाला घोल है उसको लगाते हुए इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे, लेयर इसका लेयर मोटा करेंगे। और उसके बाद में इसको इस तरीके से कवर करते हुए साइड से भी और एक साइड से भी टाइट हाथों से पकड़ते हुए इसको रोलिंग करेंगे। देख रहे स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसे ही कर करके सारे रोल बन जाएंगे। और ये जो पत्ता वाला पकौड़ा है ना, हम लोग के घर पे बहुत पसंद किया जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है। तो ऐसे ही सारा पकौड़ा बनके तैयार, रोल बनके तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसे रखूँगी स्टीम होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बड़ा सा भगोना और उसमें मैं डालूंगी 2 लीटर पानी, क्योंकि गैस देर तक चलने वाला है, ज़्यादा स्टीम करना है। तो मैं 2 लीटर पानी इसमें डालूंगी और उसके ऊपर से रख दूंगी रोल और इसको भगोना से कवर करूंगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वाष्प बनेगा तभी तो ये स्टीम होगा अच्छे से। तो इसको थोड़ा बड़े बर्तन से कवर करेंगे और रख देंगे गैस पे स्टीम होने के लिए। और एक तरफ रखा है मैंने कढ़ाई और तेल डाल के गरम करूँगी, क्योंकि मैंने एक रोल जो रखी हूँ बचा करके ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी और फिर इसको बनाऊँगी। तो ये जो रोल है ना कच्चा वाला, तो ये आप ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप चाहे तो थोड़ा सा तेल में ढक करके फ्राई कर सकते हैं। और यदि आपको क्या बोलते हैं, ऊपर से बेसन की कोटिंग वाली अच्छी लगती हो तो बेसन की घोल वाली कोटिंग करें और उसके बाद से इसको तलें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाई हूँ बेसन का घोल और उसमें इसको कोटिंग करूँगी। अलट पलट के दोनों तरफ से बेसन को इसमें लगा लूँगी और इसके बाद से रख दूँगी कढ़ाई में। मैं थोड़ा कम कम लगा रही हूँ, अपने अपने पसंद से लोग बनाते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा कम लगाई हूँ। और ढक करके रख दूँगी 2-3 मिनट, वो इसी में पक जाता है। तो अब ढक्कन हटाएंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद भी
अगर कच्चा होने की संभावना है तो 2 मिनट ढक सकते हैं। और एक तरफ मैं चेक कर रही हूँ, भगोने में जो रखी थी स्टीम होने के लिए वो भी हो चुका है, उसे भी गैस से नीचे उतारेंगे। और ये वाला भी पकौड़ा बन चुका है और अभी भी बचा है एक रोल कच्चा वाला। तो जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब मैं इसे बनाऊंगी, तब तक के लिए ऐसे ही रख दूंगी। पकौड़ा बनके तैयार है।